हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ मेरी इंस्पिरेशन से, जो है दिनचक पूजा। अब इसकी एक नई वीडियो आई है, गड्डी मेरी टू सीटर, तो हम भी देखते हैं क्या है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। hey, गाड़ी मेरी टू सीटर। एक बात मुझे इस गाने में बहुत बुरी लगी, दूसरों की चीजों पे अपना हक जताना अच्छी बात नहीं होती। मुझे क्या, सबको पता है ये गाड़ी तुम्हारी हो ही नहीं सकती। गाड़ी मेरी टू सीटर, उसमें लगा है एक हीटर, चलाता है उसको पीटर, पीट का टूट गया मीटर। वाह वाह, क्या लिरिक्स है, तालियां हो जानी चाहिए। नहीं, तालियां हो जानी चाहिए। जिसने भी लिरिक्स लिखी है, आई लव यू यार, कितनी प्यारी लिरिक्स है। लास्ट की लाइन तो समझ में ही नहीं आती, पीट का टूट गया मीटर, फीड कर दूं नया मीटर। कौन सा मीटर, स्पीडोमीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, और किसके अंदर, गाड़ी के अंदर या पीटर के अंदर? और लिरिक्स देख रहे हो, सीटर से जितने भी वर्ड राइम बनते हैं सारे यूज कर लिए वीडियो में। जब तुम किसी नाबालिग बच्चे को कार चलाने के लिए दे देते हो, उसे कोई सिग्नल दिखता ही नहीं है, और फिर आसपास के लोग उसे घूरते रहते हैं कि बावड़ा बावड़ा हो गया क्या, कोई सिग्नल दिख नहीं रहा कैसे? फाइनली पीटर की शक्ल दिखाई दी इसने। मुझे तो लगा था पीटर इमेजिनरी होगा। और ये पीटर ने अपने चेहरे पे स्पाइडरमैन का मास्क क्यों पहन रखा है? अब क्या कर सकते हैं, उसे तो अपनी इज्जत छुपानी पड़ेगी ना ढिंचक पूजा के साथ जो आ गया। हाँ बिल्कुल, ऐसी थूतना सुअर की भी होती है। hey, गाड़ी मेरी टू सीटर, उसमें लगा, ये कैसे इशारे कर रही है? hey, गाड़ी मेरी टू सीटर, उसमें लगा, जेल में कैदी ऐसे कोड वर्ड का यूज करते एक दूसरे से बातें करने के लिए। hey, हर दो शब्द के बाद हे हे, या तो कोई उसको परेशान कर रहा होगा वीडियो बनाते समय, तो उसको भगाने के लिए कह रही होगी हे हे, या फिर ये इसका तकिया कलाम होगा। लॉन्ग ड्राइव पर जब मैं जाऊं, ढिंचक पूजा के गाने चलाऊं, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाऊं, अगले दिन टीवी पर आऊं। हाँ अगले दिन टीवी पर न्यूज आएगी। एक युवा कल लॉन्ग ड्राइव पर गई थी, उसने कार में गलती से ढिंचक पूजा के गाने चला लिए, और उन गानों को सुनने के बाद उसका मानसिक संतुलन हिल गया, जबकि वो खुद ही ढिंचक पूजा है, मगर फिर भी उसका मानसिक संतुलन हिल गया अपने गानों को सुनकर, और उसने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर अपना पैर रख दिया, तो उसकी गाड़ी सीधा एक दीवार में जाके टकरा गई। अब ये एक चमत्कार कहें या उसकी अच्छी किस्मत, उस दुर्घटना में उसे खरोंच तक नहीं आई, मगर गाड़ी पूरी तहस नहस हो गई। और उस गाड़ी में एक लड़का और मिला था, वो अपना नाम पीटर बता रहा था, ससुरे ने स्पाइडरमैन का मास्क लगा रखा था मुँह पे, इसलिए उसका थोड़ा दिख नहीं पा रहा था, और उसे भी एक खरोंच नहीं आई। मेरी आप सबसे एक विनती है, जब भी आप कार चलाएं, भूल कर भी ढिंचक पूजा के गाने मत चलाएं, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आज के समाचारों में बस इतना ही। पीछे आए, ऑटोग्राफ लेकर जाए, जो मुझे समझ नहीं आता है ढिंचक पूजा अपने आप को समझती क्या है। जो पुलिस वाले से ऑटोग्राफ लेने आएगा, मैंने शुरू में कहा था ढिंचक पूजा मेरी इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैं भी आगे रैप लिखने वाला हूँ, तो मेरा एक आइडल तो होना चाहिए ना। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारो यार, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। और मैं जा रहा हूँ रैप लिखने, बाय बाय।